आते तो बताइए किसान भाइयों की यही संदेश है, दिल्ली मत आओ, जितने नहीं कटना है उसको बचना हो तो यहाँ पर ओके तो फायदा होगा, उतना फायदा होगा, कम से कम 5-7 दिन अपनी फसल को वहीं रोक दो, वहीं रोक दो, चलेगा इनको। तो अभी तो जमीन का अंदर ही रहने दो ना, 2-4 दिन साइज बड़े होंगे, साइज भी फिर ये रेट भी घना ही फर्क पड़ेगा, हर चीज का फर्क पड़ेगा। 1100 तो क्या क्या कहना चाहेंगे आपके जो किसान भाई लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, कुछ जो दिल्ली माल लाए या ना लाए, क्या कहना चाहेंगे? तो लेके ही मत आए, 2-4 दिन तक। 2-4 दिन तो आपको पहले पता नहीं था, कुछ आभास नहीं हुआ था भाई? पतो तो हमारी खैरतल मंडी बंद हो गई। ओके एक दिन चल्लू एक दिन बंद है। ओके इसके कारण यहाँ पर कटने आ गए। ओके यहाँ पे कटने आ गए। रायपुर मंडी में भयंकर जाम का स्थिति, क्या बताऊं मैं, इतना भयंकर जाम है जो क्या बताऊं। देखो जाम, देखो इधर भी गाड़ी, इधर भी देखो ये गाड़ी कहाँ कहाँ लगा हुआ है, पूरा गलत। यहाँ पे गार्ड भाई लोग बैठे हुए हैं, तो देखो यहाँ पे देख रहे हैं, तो देखो ये लोग परेशान है सारे। तो चलिए यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी किसान दिखाई दे रहे हैं। आज देखो आज तो रियल में यार हद हो गया है, किसान भाई जी लोग बैठे हुए इधर भी है, इधर भी है, तो देखो इधर भी किसान है, इनसे भी बातचीत करते देखते। आज हमारे चैनल पे वीडियो आते रहेंगे और देखते रहिएगा किसानों का क्या परेशानी है देखेंगे। तो चलिए अंदर चलते हैं। और ये देखो प्याज आया हुआ है, माल तो सॉलिड आया हुआ है, मीडियम साइज भी है। तो चलिए किसानों से बातचीत करते हैं। आप भी किसान हो भैया जी? आप कहाँ से हो? तिजारा से। ओके तो कितने कट्टे आए आपके? हमारा 200 कट्टा आया। 200 कट्टे, कितने माल बिक गया आज? सब बिक गया, थोड़ा बचा है। थोड़ा बचा हुआ है, क्या रेट बिका आज? 1300, 1350, 1400, 1400। ओके तो इतना रेट कम हो गया ना। ओके बढ़िया माल का। और हल्का माल का क्या रेट है? हल्का माल का 1100 तो क्या क्या कहना चाहेंगे आपके जो किसान भाई लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, कुछ जो दिल्ली माल लाए या ना लाए, क्या कहना चाहेंगे? लेके ही मत आए, 2-4 दिन तक। 2-4 दिन लेके ना आए, क्यों ना लेके आए ये भी बता दीजिए। मंदी बिक रही है, मतलब रेट कम हो गया है ना? रेट कम हो गया है। तो यहाँ पे देखो सारे किसान भाई लोग, हमसे 10 किसान तो यहाँ पे बैठे हुए हैं। देखो तो आप लोग सबका ही माल आया हुआ है ना? सभी का। ओके सब बैठे हुए हैं, तो सबका माल बिका हुआ है या अभी रुका हुआ है? भाई किसी का ना बिक रहा है सेठ, किसी का भी ना बिक रहा है, मतलब थोड़ा बहुत बिका होगा ना? ज्यादातर तो बिक लिया, ज्यादातर बिक लिया है, 30% बचा हुआ है, मगर रेट कम है ना? ओके देखो रेट कम है। तो खाना उना खाया या नहीं? कुछ नहीं खाया। ओके देखो प्याज नहीं बिक रहा है तो खाना ही नहीं खा रहे, ठीक है? सेहत का ध्यान रखिए, क्योंकि सेहत का ध्यान रखेंगे तभी तो आने वाले टाइम में फसल कर पाएंगे ना। तो आपका नाम? शुभ नाम? नसीम अहमद। आपका बाबूजी, आपका क्या नाम है? खलील भाई जी। और आपका भैया? सद्दाम। आपका भाई? ओके आपका भाई? ओके भाई जी आपका? ओके आपका भाई? साहिल भाई। तो देखो भाई ये भाई साहब, आपका भी बता दो। सुमित भाई है। तो आपका कितना कट्टे आए? मेरा 50 कट्टा आया। तो बिक गया सारा? मेरा गोली ना बिकी। गोली ना बिकी। प्याज बिक गई, मतलब बढ़िया माल बिक गया। क्या रेट बिका? 1350। और गोली क्या रेट जा रहा है? गोली को 500 रुपए कट्टो लगा रहा है। 500 रुपए? ओके तो आप देना नहीं चाहते हो? 800 रुपए का नीचे दोगे नहीं? ओके गाय देखो 800 रुपए पड़ जाए। चाहे फेंकना पड़ जाए ना, गाय को गिरना पड़े। ओके गाय को गिरना चाहिए, गाय तो खाते भी नहीं प्याज? खाते हैं, खाते हैं। आप तो मीठा है, ये तो मीठा है बिल्कुल। अभी तो ये चरपरा और होगा। हाँ ये तो मीठा है बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। ओके ना पता चल गया मुझे, ये तो मीठा है, राजस्थान का तो प्याज मीठे में सबसे नंबर वन है। अलवर से? हाँ अलवर से भी सबसे ज्यादा बेहतर प्याज आती है। बिल्कुल। तो आप किसान भाइयों को क्या बताना चाहेंगे, कुछ संदेश देना चाहते हैं तो बताइए। किसान भाइयों की यही संदेश है, दिल्ली मत आओ, जितने नहीं कटना है उसको बचना हो तो यहाँ पर। ओके तो फायदा होगा, उतना फायदा होगा, कम से कम 5-7 दिन अपनी फसल को वहीं रोक दो, वहीं रोक दो, चलेगा इनको। तो अभी तो जमीन का अंदर ही रहने दो ना, 2-4 दिन साइज बड़े होंगे, साइज भी फिर ये रेट भी घना ही फर्क पड़ेगा, हर चीज का फर्क पड़ेगा। ओके तो गियर दो दूसरे खेत में, ये दिक्कत आ रही है। ओके दूसरे खेत में डाल दो। ओके कोई दिक्कत खराब नहीं होते क्या? ना
खराब नहीं होता तक पटक दासा हो गए महीने तक कुछ नहीं होगा हो गए कोई बात नहीं और बढ़िया और बिकेगी ओके और बढ़िया बिकेगी ओके ओके तो आपको मतलब ऐसे ही आप रेट देख के लेकर आए यहाँ पे रेट देख के लेकर आए यहाँ काट दिया और यहाँ पे काट दिया छुरी मार दी छुरी में नहीं तो सबका साथ हो रहा है ना अकेला आपका साथ तो नहीं है सबके साथ है देखो कितना कट्टा पड़ा है यहाँ दो भाई जावे देखो पूरे के पूरे किसान भाई लोग हैं कम से कम 500,000 किसान तो होंगे ना 500 किसान तो होंगे कित से 500 यार कम से कम तुम 2,000 बता 2,000 भाई 2,000 खड़ा होगा ये यहाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है यहाँ पे तीन देखो भाई यहाँ पे देखो किसान देखो सारे तो भैया ये बताओ जो रेट जो डाउन है तो आपको पहले पता नहीं था कुछ आभास नहीं हुआ था भाई पतो तो हमारी खैरतल मंडी बंद हो गई ओके ओके एक दिन चल्लू एक दिन बंद है ओके ओके इसके कारण यहाँ पर कटने आ गए ओके ओके यहाँ पे कटने आ गए ओके मतलब वहाँ पे बंद क्यों कर देते हैं वहाँ पर जैसे स्टॉक ज्यादा माल आ गया तो उसको निकालो ओके और स्टॉक करो ओके ओके ऐसा है छोटी मंडी है छोटी मंडी है चल्लू साल भर से मतलब तीसरी साल है थोड़ी बहुत चल्लू हुई है ओके ओके तीसरी साल है उसने तो आपके वहाँ पे कोई व्यापारी वगैरह चल नहीं जा नहीं रहे क्या वहाँ पे व्यापारी है खूब ये सारे जो एक दो ने फड़ भी कर ली वहाँ पर ही ओके वहाँ पे फड़ भी बंद करके वहाँ पर ही फड़ कर ली है ओके 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 वहाँ पे फड़ कर लिया है हाँ वहाँ पर भी ले लिया लाइसेंस ओके लाइसेंस कर लिया है तो मतलब वहाँ पे भी है मतलब बिक्री कम है वहाँ पे नहीं नहीं बिक्री बढ़िया है हाँ ये तो कुछ किसान मतलब जो बंद होने से ने एक एक दो कारण के मतलब भाई आज की छुट्टी कर दी कल ले आना इसके कारण से अपन यहाँ आ गए यहाँ आ गए भीड़ भड़क का एक जानते हो आप ट्रैक्टर ज्यादा हो जाते हैं साधन वहाँ पर बहुत बेहतरीन छोटी मंडी है तो उसके कारण से यहाँ आने लग गए तो यहाँ पे आने लग गए तो इस साल ज्यादा से एक हफ्ता पहले यहाँ पर किसान कम से कम आपको मिले होंगे 50 नॉर्मल जो पूरी हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल और आपको यहाँ पर 2,000 मिलेंगे आप आज 2,000 है बिल्कुल होगा 2,000 से ऊपर ही पाएंगे आप अभी तो मैं पूरा मंडी घूम रहा हूँ देख रहा हूँ कितने है अभी तक तो मुझे दिखाई देते बहुत सारे मिले तो ये बताइए जो आप मतलब चाहते हो जो अभी रेट मिले सही मिले ना मगर यहाँ पर आज कट गया आपका आज तो बुरा कट गया बहुत कट गया ना खाना वाना खाए या नहीं ना खाए बैठू भगवान ने बज रहा हूँ जय हो कर रहा हूँ जय हो कर रहे हो ना ना देखो ऐसा तो सबका साथ ही हो रहा है ना ऐसा नाराज होके दिल को मन को दुखी करके तो फायदा नहीं है मजबूती तो रखो आने वाले टाइम में सही करेगा सुधार तो होगा ही कुछ तो होगा ही किसान मानेंगे तो सब कुछ होगा हाँ तो आप लोग ऊपर तक पहुँचाओ बात को हम तो यही करना चाहेंगे हम तो इसलिए आए हुए बातचीत करने आप लोगों से जानने आप लोग खाना खाए या नहीं ये किसान सारा बैठा है दो दिन तक आज भी आज तो ये बिका नहीं है कल क्या यहाँ पर ही रहेंगे सुबह भी आपको यहाँ पर ही मिलेंगे बिल्कुल बिल्कुल आज देखो ये लोग मैं अभी सुबह आया था और अभी सेकंड टाइम आया हुआ हूँ और मैं भी जाम से परेशान हूँ आप लोग ये बताइए जाम से कितना परेशान हूँ आप कम से कम मान ले हमारी 11 बजे खड़े पे आई यार गाड़ी सुबह कितने बजे रोड पे आ गए थे यहाँ पे आजादपुर यहाँ पर आ गए थे हमें 11 बजे सीखे रात को 11-12 बजे सीखे देखो सबका अलग अलग है टाइमिंग है कोई 11 बजे कोई रात को 6 बजे आए सुबह 6 बजे आए कितना बजे आए मगर यहाँ पे 2-4-5 घंटा लग ही रहा है अंदर आने में ना ओके ओके तो आज आप समझ सकते हो जो क्या परेशानी है एक तो भीड़ से परेशानी है एक रेट गिर गया एक जो माल बिक्री हो रहा है उसका भी नहीं आ रहे व्यापारी नहीं आ रहे ओके असल मैं आपको मैं बताना चाहूंगा जैसे माल यहाँ से जो बिक्री हो रहे हैं ना वो बाहर निकलने में भी दिक्कत हो रहा है और जो यहाँ का जो व्यवस्था है वो हल्का सा डिले हो रहा है मतलब ढीला हो गया है बहुत घना हाँ बहुत घना ढीला हो गया है तो उनको पता ही नहीं है जो अब कैसे काम करें तो देखो मैं भी फंसा हुआ हूँ यहाँ पे तो यहाँ से निकलने में मुझे अभी 1 घंटा लग जाएगा निकलने में लग जाएगा ओके तो धन्यवाद भाई जी आपसे बातचीत करते हुए अच्छा लगा तो वीडियो से कोई दिक्कत तो नहीं है आपको नहीं, ओके तो जय किसान जय जवान थैंक यू भैया